Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I will start your page number 144 of maths. आज आपके maths subject का पेज नंबर 144 से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जिसमें हमको एडिशन ऑफ मनी विथ रूपी कैरी, ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है. जैसे एक एग्जांपल में ऐड करके दिखाया है, देख उसको समझाते हैं आपको. क्या रुपीज़ और पैसे का जानते हैं कि इधर वाले को ये कॉलम पैसे का है, ये क्या है रुपीज़ का है. तो यहाँ 40 पैसे 62 रुपीज़ और 65 पैसे 12 रुपीज़ दिया है ना. अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है. जैसे कैरी वाला एडिशन ऐड करते हैं तो सेम उसी तरह रुपीज़ वाला मनी वाले को भी एडिशन वैसे ही करते हैं. तो जीरो में 5 प्लस किया तो क्या आएगा, 5 ही आएगा. 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10, तो 10 पूरा नहीं लिखेंगे, 10 का क्या लिखेंगे, 0, ठीक है ना, 0. और ये 1 कैरी किसके पास चला जाएगा, रुपीज के पास चला जाएगा. तो 2 2 4 1 5 हो गया और 6 1 7. तो इस तरह आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, ठीक है ना. तो अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन ये आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं. अब इसको रुपी दिया है 0.25 पैसे और रुपीज़ 0.75 पैसे, ठीक है ना. अब इसको ऐड करते हैं, 5 5 10 का 0, 1 कैरी यहाँ चला आया. 7 2 9 9 1 10 का, हाँ 10 का क्या लिखेंगे, 0, 1 कैरी रुपीज़ के पास चला गया. ये देखिए पॉइंट पॉइंट है तो इसके सामने जस्ट आप पॉइंट लगा देंगे. अब 0 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा. और ये आपका आ गया रुपी 1 रुपी 0 0 पैसे. अब इसको ही देख लेते हैं, 5 और 5 कितना हो गया, तो 10 पैसे. और एक आपको सॉल्व करके बताया, देखिए पैसे में दिया है, सॉल्व करने पे आपको आंसर रुपीज़ और पैसे में आ रहा है. कैसे, देखिए 5 में 5 प्लस किए, 10 का 0, ठीक है. 1 कर इधर आया, 6 और 5 कितना, 12. तो 12 का 2 लिखा, 1 कैरी किस में चला जाएगा, वो रुपीज़ में चला जाएगा. तो वही यहाँ पे पॉइंट लग के 1 कैरी कहाँ चला गया, रुपीज़ के पास चला गया. तो यहाँ 1 तो क्या लगेगा, राइट कर देंगे 1 रुपीज़, तो वही जाएगा रुपीज़ 1.20 पैसे. तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ देखते हैं. अब देखिए 5 5 10 का 0, 1 कैरी इधर चला गया. अब देखिए 7 7 14 14 1 15 का 5, 1 कैरी जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, रुपीज़ वाले के पास चला जाएगा. तो पॉइंट लगा के हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 ऐसे रुपीज़ राइट करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ऐसे सॉल्व करेंगे. अब देखिए यहाँ दोनों कॉलम बनाए हैं, रुपीज़ का भी और पैसे का भी, तो इसको भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे. 7 8 15 का 5, 1 कैरी यहाँ चला गया. 8 3 11 11 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 का 2, 1 कैरी यहाँ चला जाएगा रुपीज़ के पास. अब 7 2 9 1 10 का 0, 1 कैरी यहाँ आ जाएगा. 1 2 1 1 1 2 और कैरी 3, तो 30 रुपीज़ 25 पैसे. इसी तरह बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन ऐड करने हैं. एक लास्ट क्वेश्चन ये बता देते हैं, अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह 5 0 0 तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा. 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा. 1 6 7 7 में फिर 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 12 12 का 2. अब देखिए पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट 12 का 2, 1 कैरी यहाँ चला जाएगा. 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, फिर 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 11 का 1 कैरी इधर चला जाएगा. अब इसको ऐड करते हैं, 2 3 5 5 1 6, अब कैरी को ऐड कर लेते हैं 7, और यहाँ रुपीज़ है तो रुपीज़ कैसे समझा. तो इस तरह पेज नंबर 144 को क्या कर लेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे. पेज नंबर 145 पे देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन ऑफ मनी. अब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मनी वाले. मनी दिया रहेगा उसको ऐड क्या करना रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को उनको पढ़ के समझिए उसको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया हुआ है, क्या बताया, सबाना बॉट एन आइसक्रीम कोन फॉर ₹6.50. सबाना है जो एक आइसक्रीम कोन खरीदती है इतने में, एंड टॉफ़ी फॉर ₹4.25 और इतने का एक टॉफ़ी खरीदती है. हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल, उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए वो आपको निकालना है, उसने कितने पैसे
खर्च किए वो आपको निकालना है। तो टोटल कैसे निकाल सकते हैं आप, ऐड करेंगे तभी ना निकाल पाएंगे। तो ऐसे रुपीज़ का कॉलम बना लेंगे, और पहले रुपीज़ कितना दिया था, 6.50 रुपीज़, फिर ₹4.25, फिर ऐड कर लेंगे, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 2 पॉइंट लगा देंगे 6, 4, पूरा यहाँ 10 लिख देंगे यहाँ रुपीज़। तो सी स्पेंड कितने रुपीज़ टोटल उसने खर्च की, 10 रुपीज़ 75 पैसे उसने खर्च किया। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन हम भी बता देते हैं, लिखा है ए वॉच कॉस्ट ₹510, कह रहा है एक वॉच का कॉस्ट है ₹510 एंड ए लैम्प कॉस्ट, और एक लैम्प का कॉस्ट दिया है कितना ₹80.50। हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाई देम, और तो इसको वॉच ₹510 में खरीदना है और लैम्प भी खरीदना है ₹80.50, तो उसे टोटल कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इस दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा ₹510, और पैसे नहीं है तो क्या लिख देंगे ₹0.00, ठीक है। और सेकेंड क्या था, ₹80.50, तो ये ₹80 और कितने पैसे 50 पैसे हो गए। देखिए ये रुपीज़ का 1s 10s 100 है, ये पैसे का 1s 10s 100, तो इसलिए 1s और 10s प्लेस पे राइट किए, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 0, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5, पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, 1 में 8 प्लस करेंगे तो 9, और ये 5, और ये रुपीज़। तो उसके कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो 590 रुपीज़ 50 पैसे की इसको ज़रूरत पड़ेगी दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे ₹90.50, ठीक है। तो ऐसे ही इस सारे क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, ऐड ही करना है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बता देते हैं, ये रेनू हैड ₹18.50, रेनू के पास इतने पैसे थे, हर मदर गेव हर ₹12 और उसकी माँ ने और उसको ₹12 दे दिए, हाउ मच मनी डज रेनू हैव नाउ, तो अब बताना है कि रेनू के पास कितने पैसे होंगे। तो पहले उसके पास कितने थे, तो लिखिए ₹80.50 थे उसके पास, और उसकी माँ ने कितना उसको और दे दिया बाद में ₹12, तो ₹12 ये तो पैसे में होता है और ये रुपीज़ का होता है, तो यहाँ लिख देंगे ₹12 और पैसा 0, 0, और क्या कर देंगे टोटल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे 0, 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 का 0, 1 कैरी और 1, 2, 3, तो ₹30.50 उसके पास अब हो जाएंगे, तो ₹30.50। तो इस तरह पेज नंबर 145 भी आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। So thank you and have a nice day.